me Sayyid Muhammad Asmada from mathhimath.com. Let's start with question number 2 and 4th part of exercise number 6.1. The statement of this question is, actually we have to factorize the given polynomials and we have to find the HCF, mean highest common factor. तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है ये है 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इन तीनों के पास x कॉमन है तो हम x को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18x। यहाँ पे इसमें से x कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये 9x रह जाएगा यानी एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया और फिर ये 8x में से x कॉमन निकला तो बाकी यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हम इसकी पेयरिंग किस अंदाज में कर सकते हैं कि ये जो 8 यहाँ पे 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और सो इसका पेयर 1 इंटू 8 2 इंटू 4 भी इसका एक पेयर हो सकता है। अब इन दोनों में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला पेयर वुड बी द बेस्ट क्योंकि अगर हम 4 में 2 को ऐड करें या 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो किसी सूरत 9 नहीं आता लेकिन 8 में 1 को ऐड करें तो 9 आ जाता है। इसका मतलब है 8 और 1 का यहाँ पे पेयर बनेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 18x बाहर, एक्स स्क्वायर इसी तरह से आ गया, 8 भी यहाँ इसी तरह से आ जाएगा और ये जो माइनस 9x है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं सो हमने x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x माइनस 8 आ गया। इन दोनों में से हम माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x ये यहाँ पे ये प्लस नहीं ये माइनस 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस 1 को कॉमन लिया है तो माइनस 1 को कॉमन लेने की वजह से यानी यहाँ से माइनस 1 बाहर निकला है तो x के साथ से माइनस हट जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा और 8 के साथ से जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे x माइनस 8 यहाँ भी है, x माइनस 8 यहाँ भी है, दोनों में से x माइनस 8 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 यहाँ से बाहर चला गया बाकी यहाँ पे x माइनस 1 रह गया तो x माइनस 8 को दोनों तरफ से कॉमन लिया तो x माइनस 1 यहाँ पे आ गया सो फाइनली हमारे पास ये 18x इंटू x माइनस 8 एंड x माइनस 1 आ गया। ये जो 18 है इसको हम 3x मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 3 इंटू 6 ये 18 आ जाएगा तो 18 को भी हमने फैक्टराइज करके 3x मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू x माइनस 8 इंटू x माइनस 1 कर लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चलते हैं दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ जो हमारे पास गिवन है ये है 24x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो यहाँ भी उसी तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर कुछ होगा ये कि ये हमारे पास 24 यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा और 2 भी इसी तरह आ जाएगा। ये जो माइनस 3x है ना इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 2x यानी देखें माइनस 1x और माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से हम माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं तो माइनस 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ ये एक्चुअली प्लस मिस्टेकली लिखा गया ये माइनस है क्योंकि देखें जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो x के साथ यानी ये जो माइनस 2x है ये यहाँ पे x प्लस में चला जाएगा क्योंकि 2 को भी कॉमन लिया है इस वजह से खाली यहाँ पे x बचा जो कि प्लस में हो जाएगा और ये जो ये प्लस का 2 है ये माइनस यानी कि ये माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 2 को तो हमने कॉमन ले लिया लेकिन ये माइनस को भी कॉमन लेने की वजह से ये साइन भी चेंज होके ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे x माइनस 1 इधर भी है x माइनस 1 इधर भी है दोनों में से x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बाकी हमारे पास 24 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे और एक्स माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा। अब 24 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब अगर हम यहाँ पे अपनी दोनों फैक्टराइज हुई
जो इक्वेशंस हैं जो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें यहां पे ये पता चल रहा है। देखें यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर यहां 1 को अगर आप देखें तो यहां पे 6 और x minus 1 यहां पे भी है और 6 और x minus 1 ये 6 और ये x minus 1 इक्वेशन नंबर 2 में भी है। सो इसका ये मतलब है कि ये दोनों x इक्वेशन 1 और x इक्वेशन 2 में कॉमन है। सो इन दोनों के कॉमन होने की वजह से दोनों इक्वेशंस में 6 और x minus 1 कॉमन होने की वजह से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ.com।